तो बच्चों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपर स्टूडेंट से, और ये हमारा इस साल का दूसरा इंटरव्यू है। देखिए, अगर COVID-19 नहीं होता तो हम बहुत सारे इंटरव्यू ले पाते, पर COVID-19 की वजह से इस साल इंटरव्यू नहीं ले पाए थे, इसीलिए इस बार हम ऑनलाइन एक टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं। और यहाँ पे आपको इस पूरी वीडियो में बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे, वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और आप देखोगे कि कैसे किसी टॉपर बच्चे आखिर कैसे होते हैं, वो कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या उनका शेड्यूल होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे तो आपको यहाँ से पता लग जाएंगे। तो सबसे पहले आप यही बता दो कि आपने कभी सोचा था यहाँ पे हमारे चैनल पे इंटरव्यू होगा। सर, मैं आपकी वीडियोस देखती थी, इंटरव्यूअर्स की वीडियो मैंने देखी आपके चैनल पे, तो मुझे लगता था कि समय कि कभी ना कभी मेरे को भी इस प्लेस पे आना है, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा तो मेरे को बहुत खुशी हुई है कि क्लेवर सर की पॉइंट पे मुझे आने का मौका मिला। एंड इट्स अ प्रेजेंट मोमेंट फॉर मी इन माई फैमिली टू कि मैं इस चैनल पे आई, इवन मैं बच्चों को अपनी बातों से कन्वे कर सकती हूँ, कि मैं बच्चों को मोटिवेट भी कर सकती हूँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि एकलव्य स्टडी पॉइंट पे मेरा इंटरव्यू हो। शायद आपको याद होगा मैंने इंस्टाग्राम पे अपने रिजल्ट के टाइम पे आपको लिखा था कि सर मेरे को बहुत गर्व फीलिंग आ रही है कि मे बी मेरे 97% 95% आ सकते हैं, तब आपने लिखा था बेटा जब एक बार आए तो बताना हम आपका इंटरव्यू लेते हैं। इट्स अ प्लेजेंट मोमेंट फॉर मी नाउ कि वो चीज सही हुई है। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, अपने बारे में बताइए सबसे पहले। हाँ जी सर, माय नेम इज एकता शर्मा, मेरा नाम एकता शर्मा है और मैं एसकेवी नंबर 1 सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 1 गांधीनगर स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। एंड ट्रूली वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, और मैंने विवेकानंदा कॉलेज विवेक विहार से अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ। एंड यहाँ का एनवायरनमेंट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक टीचर्स, उनका पढ़ाने का तरीका सब बहुत अच्छा है, तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि कट ऑफ इवन फर्स्ट कट ऑफ में एक बार नाम आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इस टाइम बच्चों के 80%, 89%, 90% तक पे भी बहुत रेयर बच्चे हैं, जनरल में भी या फिर अदर कास्ट में भी बहुत से बच्चे हैं जिनका कट ऑफ में नेम नहीं आया, तो इट्स अ बिग प्लेजेंट मोमेंट फॉर मी कि मेरा फर्स्ट कट ऑफ में नाम आ गया था। इवन कितने बहुत सारे मार्क्स, कॉलेज कितने में नाम परसेंट आए थे आपके मार्क्स? सर 97% आए थे मेरे मार्क्स 12th में। 97? हाँ 97? जी ओके हाँ जी सर 97। ओके। आपने स्टार्टिंग में जब आप 11th से 12th में आए थे, तो आपने सोचा था कि आपकी परसेंटेज इतनी पहुंच जाएगी 97 तक, या क्या सोचा था, या पहले से सर ये डिसाइड था कि एक्सपेक्ट, पढ़ाई करूंगी? हाँ जी सर ये पूरा एक्सपेक्टेड था। 10th में मेरे 80 से 85 के अराउंड आए थे, तो वहीं से था मुझे कि ये लास्ट ईयर है मेरा और मुझे इसमें कुछ करना है, क्योंकि वही है कि स्कूल के लेवल पे हम 11th में लाते हैं 10th में लाते हैं तो उनका इतना नहीं होता है जितना हम लास्ट ईयर के सेशन में लाते हैं, तो 12th तो वैसे भी लाना ही था क्योंकि कट ऑफ हाई निकल रही थी, बिल्कुल था एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ इस बार भी हाई निकलेगी, जैसे लेडी श्री राम की बिल्कुल 100% निकली है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, तो एक्सपेक्टेड था कि हाँ इतने निकलेंगे, तो इसलिए अपने आप को भी एक्सपेक्टेड बनाना पड़ा कि हम इतनी मेहनत करें कि इतने ला सकें, तो वही वाली बात हुई, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, हार्डवर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, जितना भी मेरे मेरे को पोटेंशियल था मेरे टीचरों ने मुझे सपोर्ट किया था, सिबलिंग्स फैमिली, तो बहुत सारी बातें, लाइक मेरे टीचर मुझे हमेशा बोलते थे कि एकता इतने तेरे को 90 अबव लाने हैं, तो बिल्कुल वो सारी चीजें जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होता है ना स्टडी वाला, तो वो चीज दिमाग में बैठ जाती है कि हम मुझे इतने लाने हैं, तो वही वाली बात हुई सर, शुरू से अपने अंदर से भी पोटेंशियल था कि मुझे इतना लाना है इतना करना है, तो उसी ओके के ध्यान में रखते तो हुए सबसे मैंने पहले पढ़ाई आप करी। हमारे स्टूडेंट को ये बताओ कि आपने स्टार्टिंग में पूरा क्या, आपका मतलब पढ़ने का तरीका था, टाइम टेबल, बुक्स कौन सी पढ़ी है, या फिर कोचिंग ली है नहीं ली है, और रेगुलर पढ़ा है या लास्ट के मंथ में पढ़ा है, मतलब पूरा स्टार्टिंग से एंड तक कैसे मतलब आपने पढ़ाई करी जो 97 आए, ये बताना है आपको, और उसके बाद फिर स्कूल के बारे में पूछेंगे। पहले आप यही बताओ कैसे तैयारी करी थी। सर मैंने ट्रूली अपने मेरे जब 11th का पीरियड ऑफ हो गया था, मेरे 11th में भी 90 अबव आए थे, तो मेरा वो वाला ब्रेक जब मिलता था मुझे, लाइक 11th पास करने के बाद जो 12th के बीच का हमारा मिड ब्रेक होता, मैंने उसी में अपना पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि क्लियर था और शुरू से मेरे को था कि हाँ अपना कोर्स पेपर से कुछ टाइम, एक 1 मंथ या फिर 1 मंथ क्या, मेरा तो 2 मंथ बिफोर पूरा हो चुका था कोर्स,
मुझे इतना था कि पेपर से एटलीस्ट 2 मंथ पहले मुझे अपना प्रिपरेशन ही करना है, मुझे ये सब नहीं करना कि अब छोड़ देती हूँ बाद में करूंगी या फिर पेपर के टाइम पे कर लेंगे अभी छोड़ देती हूँ। एंड स्टडी था कि रेगुलर था, कि ये नहीं था कि जब मन किया पढ़ लिया छोड़ दो अभी, बिल्कुल रेगुलर था कि अपने टाइम स्लॉट आओ, स्कूल से आओ, स्कूल के बाद मैं 3:30 पे पढ़ना शुरू करती थी अपना, एंड 3:30 to 5:30 मेरा था, उसके बाद मैं अपना एक ब्रेक लेती थी, फिर मैं 5:30 के बाद अपना 6 o'clock से फिर पढ़ना शुरू करती थी, उसके बाद 1 घंटा मैं उसमें पढ़ती थी। देन क्योंकि स्लीपिंग टाइम शेड्यूल मेरा सही था, 9 बजे मैं सो जाती, तो सुबह उठने के बाद लाइक 5:30 बजे से 6 बजे या फिर 7 बजे, 5:30 से 7 बजे तक मैं अपना इंग्लिश करती थी, क्योंकि इंग्लिश में बच्चे मात खा जाते हैं, क्योंकि बोलते भी हैं, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स बहुत कटते हैं, ये बच्चों की शिकायतें भी आती हैं, क्योंकि इंग्लिश में हम आर्टिकल्स, राइटिंग, डिबेट, रिपोर्ट, स्पीच, इतनी सारी चीजें होती है कि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं शुरू से क्लियर रखना चाहती थी कि पेपर में आएगा तो मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं कि मैं ये अटेम्प्ट करूं या ये अटेम्प्ट करूं, तो अपनी एक चीज मैंने इतनी बेस्ट बना ली थी कि दोनों में से कोई भी आएगा तो माइंड एकदम क्लियर था कि मुझे यही अटेम्प्ट करना। एंड सेकेंडली द थिंग इज कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा है, तो एनसीईआरटी की बुक ही मैंने प्रेफर करी है, उसके साथ साथ स्कूल से जो हमें सपोर्ट मटेरियल मिलता है मैंने उसे प्रेफर किया, क्योंकि हम कोई सी भी गाइड ले लें उसमें कहीं ना कहीं कंटेंट एनसीईआरटी का ही मिलता है, तो मैंने एनसीईआरटी की बुक को ही प्रेफर किया। और जो हमें एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, लाइक हमें स्कूल की तरफ से सीबीएसई सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया कराए कराए गए थे, इवन शायद बच्चों को इस बार भी प्रोवाइड कराए गए हैं, तो हाँ आ कहीं ना चुके कहीं हैं। बच्चों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और ये क्वेश्चन पेपर, उन्हें 3 आवर्स का अपना एक टाइम लगाना चाहिए, अलार्म लगाना चाहिए, और उसके बाद पेपर को सॉल्व करना चाहिए, वो भी बुके दूर रखकर, ये ना हो कि अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक क्वेश्चन देख, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। बाकी सर पॉलिटिकल साइंस में आपकी हेल्प ली थी मैंने, आपने जो वीडियोस बनाई थी, क्योंकि हमारे टाइम पे एमसीक्यूज आए थे जो काफी थोड़े बहुत तो उस टाइम पे हमारे लिए न्यू थे, तो शुरू शुरू में अडॉप्ट करना थोड़ा मुश्किल था, बट जैसे हमने मिड टर्म के पेपर दिए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि हाँ ये तो और भी बल्कि इजी हो गया हमारे लिए, क्योंकि पहले लिखना पड़ रहा था, अब सिर्फ टिक लगाना है। तो बाकी आपने शायद पेपर से 1 दिन पहले भी वीडियो डाला था हमारे 12th के बच्चों के लिए, पिछले बैच के लिए, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत बड़ा रोल दिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपने मतलब पूरा स्टार्टिंग में पढ़ाई शुरू कर दी थी 12th में हाँ आने जी से आते ही समय, और रेगुलर पढ़ाई करी है साल भर, और जी टाइम टेबल बनाया है, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ा है, प्रीवियस ईयर हाँ के जी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, हाँ जी और एनसीईआरटी को सपोर्टिंग मटेरियल को स्कूल में पढ़ाई हुई टीचर की बातें, यूट्यूब वीडियोस, हर जगह से हेल्प ली है, हाँ जी और इस तरीके से शेड्यूल था मतलब कि पूरा साल बिजी और अच्छे से, मतलब 2 महीने पहले सिलेबस पूरा हो गया। बिल्कुल सर बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि 2 महीने पहले तुम्हारा सिलेबस हो गया। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लास्ट तक नहीं हो पाता। हाँ चलिए अपने जी स्कूल के बारे में बताओ कुछ। सर, स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ हम डिसिप्लिन सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, इवन स्कूल में कहीं ना कहीं प्रेशर भी बिल्ड होता है और कहीं ना कहीं प्रेशर रिलीज भी होता है, क्योंकि वहाँ फ्रेंड्स भी होते हैं। तो हमारे स्कूल में जो हमारी प्रिंसिपल मैम थी सर्वोदय कन्या विद्यालय की, वो टीचर बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमारे टाइम पे कोई प्रेशर बिल्ड नहीं किया था, पूरा एनवायरनमेंट स्टडी का था, क्योंकि वो भी जानते थे कि कहीं ना कहीं बच्चों पे बोर्ड का अपने आप में प्रेशर होता है, तो वो हमें रिलीव करने की कोशिश करते थे। इवन पेपर से पहले भी उन्होंने ऑडिटोरियम में हमारे क्लास स्कूल के उन्होंने बुला के 12th के स्पेशल बच्चों को अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था बोर्ड का, तो उन्होंने वही बोला था कि बच्चों आप थोड़ा रिलैक्स फील कीजिए। इवन हमारे इंग्लिश की दीपा मैम थी, रेखा मैम थी पॉलिटिकल साइंस की, सरिता मैम थी होम साइंस की, और हमारी प्रीति मैम, बबीता मैम, सारी टीचरें इतनी सपोर्टिव थी। इवन प्रीति मैम ने तो जैसे मैंने पहले भी कहा, उनका शुरू से था कि बेटा देखो इतने लाने हैं, तो वही वाली बात हुई कि उनकी बातों पे मैं खरा उतरी, तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि स्कूल के टीचरों का एक आदर्श बन जाता है बच्चों के लिए, तो वही चीज थी कि उनका बोला हुआ पूरे थ्रू आउट द ईयर मेरे दिमाग में रहा, और मैंने उस पूरा घर में भी पूरी प्रिपरेशन करी, ऐसा नहीं करती थी कि वो अपने आप से चोरी हो जाती है, कि हम कभी जाते हैं ना बाद में कर लेंगे अभी ये कर लेते हैं, तो वो चीज नहीं करनी चाहिए कभी जब आपको क्लियर रेगुलर हो। पढ़ना चाहिए, सही बात है, बाद में छोड़ देते हैं तो फिर नहीं हो पाता, और कई बच्चे ऐसे हैं कि कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, इस दिन उस दिन, ऐसे फिर रह जाता है और बाद में दिक्कत होती है। समझ रहा हूँ मैं। और अपने
अचीवमेंट वगैरह बताइए, क्या क्या हुआ उसके रिजल्ट आने के बाद, टॉप करने के बाद कैसा हुआ, बदल गया सब? सर साइट क्रैश थी सीबीएसई की उस टाइम पे, तो बहुत डर भी लग रहा था। तो फाइनली मैंने अपना डिजी लॉकर, क्योंकि मेरा बहुत पहले से ओपन था अकाउंट डिजी लॉकर पे, तो मैंने उसी से कनेक्ट किया था। तो मैंने कहा, जैसे मैं रिट्राई रिट्राई कर रही थी, बिकॉज वो उस टाइम भी डिजी लॉकर भी क्रैश हो गई थी। वो शायद सिर्फ 10-20 मिनट्स के लिए डिजी लॉकर सही हुई थी, तो मैंने उस पर क्लिक किया तो वो एकदम से रिट्राई नहीं लाया। मैं कहा भाई मे भी हो गया है, तो मैं तो अपने भाई को फोन दे दिया था। मैंने कहा तुम देख, मैंने देख रही, तो जब मेरे भाई ने देखा उसने बताया तेरी 97 है। तो मैं इतनी ज्यादा उछली थी उस टाइम, बिकॉज वही वाली बात है कि जो हम एक्सपेक्टेड करते हैं और वो सही निकल जाए तो इट्स अ ग्रेट थिंग, हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हम जो बोल रहे थे एटलीस्ट हम उस पे सही निकले, खरे उतरे। तो घर में बहुत, मेरा बर्थडे भी बिल्कुल जुलाई में था, तो मम्मी ने उस टाइम मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी थी हमारे लिए उस टाइम, क्योंकि पूरे थ्रू आउट की मेहनत होती है हमारे ईयर की, और वो ऐसे रंग लाती है तो और भी ज्यादा खुशी होती है। इवन फोन आने शुरू हुए, ईश्वरदत्त चैरिटेबल से 2,000 रुपीज का मुझे अवार्ड मिला उसके बाद। एंड इवन जस्ट रिसेंटली मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला, जो अपने आप में एक ऑनर की बात है कि मैं वहां पे गई, मुझसे पूछा गया कि मैंने अपने पेपर के लिए कैसा प्रिपेयर किया था। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर टू मी, इवन एक लवर स्टडी पॉइंट पे मेरा इंटरव्यू हो रहा है, सो इट्स आल्सो ग्रेट ऑनर टू मी। सही है। और जो हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी 12वीं के पेपर देने वाले हैं, उनके दिमाग में भी कई सारी टेंशन, कई सारे क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? इनके लिए सर यही कहना चाहूंगी, पहले तो जो बच्चे अभी भी नहीं जगे उनको बोलना चाहूंगी कि अभी भी आप लोगों के पास, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत सारा टाइम है, बट स्टिल आपके पास जितना भी टाइम है आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी आप ये ना सोचे कि हमने इतना टाइम गवा दिया अब क्या हो जाएगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आप आज से बिगनिंग तो कीजिए, शुरुआत कीजिए नहीं। और क्योंकि आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी का हाफ है, या फिर हो सकता है मार्च में पेपर हो तो आप पे फरवरी भी है, तो आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, एटलीस्ट ना पासिंग से तो ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। एंड सेकेंडली फॉर दोस्ट जो अभी रिविजन पे हैं, तो उनके रिविजन के लिए ये मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग अपना पेपर डिसाइडेड कर सकते हैं, लाइक पेपर लिखने का पैटर्न अपना अभी से सेट कर लीजिए, पेपर लिखिए बार बार, और जब आपके हाथ में पेपर आता है, अगर आप पहले से पेपर सॉल्व करते हो और उस टाइम आपके हाथ में एक्चुअल टाइम पे पेपर आता है, तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स लग जाती हैं कि आपको कैसे करना है पेपर। लाइक मेरे टाइम पे मेरे को जब पेपर मिलता था, मैं पॉइंट्स पे पीछे से पढ़ना मैं शुरू कर देती थी हमेशा, क्योंकि 6 मार्क्स वाले में ना थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि कैसा क्वेश्चन आया, तो पीछे से मैं पढ़ना शुरू कर देती थी। एंड सबसे पहले लाइक 6 मार्क्स वाले में पॉलिटिकल साइंस में पैराग्राफ्स आते हैं, मैप्स आते हैं, तो जो हमें पढ़ने का टाइम मिलता था उसे पूरा पेपर पढ़ने की बजाय आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसमें अपने पैसेजेस सॉल्व कर सकते हैं। मेरा हाफ एन आवर पेपर पहले हो जाता था, तो बेसिकली उसका ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैं जब हम पेपर देते थे, मैं अपना पेपर दे रही थी, तो उस टाइम पे मैंने जो हमें पढ़ने का टाइम मिलता है 15 मिनट्स का, तो पैसेजेस सॉल्व किए थे, मैप उस टाइम में सॉल्व कर लिया था, तो क्लियर था कि अब बचा क्या है। मेन मेन उसी टाइम पे मैंने एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए थे, तो बस फिर लगा था कि अरे अब तो 6 मार्क्स वाले बचे हैं। तो अपने ये चीज अपने आपको ना इजी रखने वाली बात रखना है, ये नहीं रखना कि ये भी करना है वो भी छूट गया अभी ये भी, उससे पजल नहीं होना। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन पेपर में मार्क मत लगाओ। जब आप क्वेश्चन पेपर में मार्क लगाते जाते हो तो आपको लगता है कि हो गया ये भी हो गया वो भी हो गया, और बाद में पता चलता है कि छूट गया था यार। तो इससे बेटर है कि आप उस टाइम पे अपने आप को माइंड को क्लियर रखें, बिल्कुल भी होश पोश ना हो कि ये भी करना है वो भी करना है ये रह गया, तो टेक इट इजी वाला काम रखो। एंड सेकेंडली ये चीज है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, अगेन मैं कहना चाहूंगी, जो सीबीएसई के पेपर मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, सपोज मटीरियल के पेपर होते हैं, उन्हें तो डेफिनेटली करो। और आपके पास बेशक आप टीचर से फिजिकली नहीं मिल पा रहे हो, बट आपके पास ऑनलाइन अभी आपके पास है प्रेफरेंस कि आप ऑनलाइन टीचरों से बात कर सकते हो, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आप अपने टीचर से क्लियर कर सकते हैं, इवन आप सर के पास भी डाल सकते हैं, सर भी इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दे देते हैं। तो आपके पास अपने अपने आप को बाउंड मत कीजिए कि हमारे पास ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, आप करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, कॉन्फिडेंस आप में बिल्ड हो जाएगा अगर आप डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करोगे। मेरा भी लेवल अपग्रेड हुआ है, कॉलेज में आई हूँ, बट स्टिल मेरे साथ भी कंडीशन रही है कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो
तो सेल्फ स्टडी पे अपना कॉन्फिडेंस, अपना विश्वास, अपना ट्रस्ट बनाए रखो कि सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। मैंने भी अपनी स्टडी कोचिंग से नहीं की, अपने सेल्फ स्टडी करी है। मेरे सिबलिंग्स ने, मेरे भाई बहन ने मेरी हेल्प की थी, तो अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए सर सेल्फ स्टडी पे। ठीक है, तो लास्ट में मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि इन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई की थी और किस प्रकार से मेहनत की और 97 लिए। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, अगर नहीं करा है तो अपना टाइम मैनेजमेंट सीखो, पेपर से ही सीखा जाएगा। और अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं भी आपको रिप्लाई दे दूंगा। और ये जो हमारे टॉपर स्टूडेंट है एकता शर्मा, ये भी आपको वहाँ पर कमेंट में रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, थैंक चलिए बाय। यू सर।